दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। असल में सुबह का जो वीडियो था पहला वाला, उसमें काफ़ी कुछ सूचना छूट गई थी और वीडियो वो लंबा हो जाता, इसलिए ये दूसरा वीडियो बनाया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब पॉलिटेक्निक परीक्षा में भी नकल। ये देखिए लिखा है, पॉलिटेक्निक परीक्षा में तीसरी आंख को भी चकमा दे रहे हैं छात्र और चाक चौबंद व्यवस्था को फेल कर रहे हैं छात्र। असल में पॉलिटेक्निक की जो सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो हो रही हैं उसके बारे में ये सूचना है। प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में जमकर के गड़बड़ियां हो रही हैं। पहली बार ऑनलाइन हो रही परीक्षाओं के लिए इंतजाम पुख्ता होने का परिषद का दावा कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके प्रश्नों के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। छात्रों के अनुसार तो ऑनलाइन परीक्षा में जमकर के नकल हो रही है। कई छात्र प्रश्नों के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप से दोस्तों को भेज करके उत्तर पता कर रहे हैं। वेब ब्राउजर के सहयोग से भी जवाब लिखने के आरोप लगे हैं। 18 अगस्त से शुरू पॉलिटेक्निक की परीक्षा करीब 3 लाख छात्र दे रहे हैं। कोरोना की वजह से पहली बार ऑनलाइन हो रही है परीक्षा। छात्र घर बैठे मोबाइल व लैपटॉप से परीक्षाएं दे रहे हैं। इसके लिए हर छात्र को यूजर आईडी व पासवर्ड दिया गया है। इससे लॉगिन करने पर बहुविकल्पी प्रश्न उनके सामने होते हैं। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए 90 मिनट की परीक्षा में 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी प्रश्नों के लिए महज 1 घंटे की परीक्षा में 25 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक कि जो परीक्षा हो रही है सेमेस्टर की, उसका स्क्रीनशॉट है। विद्यार्थी नकल करके इस परीक्षा को दे रहे हैं। वही यहाँ पर लिखा कि परिषद नकल विहीन परीक्षा का दावा कर रहा है, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था में छात्र तकनीकी से सेंध लगा रहे हैं। परिषद के सचिव सुनील सोनकर ने बताया कि हर 30 छात्र पर एक प्रॉक्टर की तैनाती की गई है जो इसकी निगरानी कर रहे हैं। छात्रों को परीक्षा के दौरान इधर उधर देखने की इजाज़त नहीं होती है। परीक्षा के दौरान 4 से 5 बार छात्रों की फ़ोटो भी क्लिक होती है। वहीं हर 30 प्रॉक्टर पर एक सुपर प्रॉक्टर की तैनाती की गई है जो अपने स्तर से निगरानी कर रहे हैं। गतिविधियां संदिग्ध होने पर छात्रों को चेतावनी दी जाती है। इन गड़बड़ियों को लेकर के परिषद के सचिव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो संस्कृत अध्यापकों की जो भर्ती के विज्ञापन है वो कल बहुत सारे जिलों से जारी हो गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, मानदेय पर ये भर्ती हो रही है। ये पूरा विवरण है कि किस विद्यालय में कितने पद खाली हैं और कितना मानदेय मिलेगा। ये देखिए 15,000 लास्ट डेट क्या है, 15 सितंबर है ये जो विज्ञापन है। ये देख लीजिए गजरौला का ये विद्यालय, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय श्री सनातन धर्म, और 23 तारीख कल की डेट पड़ी हुई है। क्या प्रारूप है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। किस तरीके से आवेदन करना है इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी तरीके से अमरोहा से भी भर्ती का विज्ञापन निकला है। यहाँ पर देख लीजिए विद्यालय का नाम लिखा है, मंडल लिखा है, किस पद के लिए है, किस यहाँ पर देखिए लिखा व्याकरण 1, साहित्य के लिए, आधुनिक विषय हिंदी। तो यहाँ पर ये आप लोग अपना जिला देख सकते हैं और अपने ज़िले की जो वेबसाइट होती है जैसे allahabad.in, nic.in, hamirpur.nic.in, तो उस तरीके से उस वेबसाइट पर जाकर के भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर madhyamikshiksha.upsdc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण इस तरीके से दिया हुआ, अलग अलग विद्यालयों का, इस ज़िले में जितने विद्यालय हैं वहाँ पर किस विषय के कौन से पद कितने पद खाली हैं, ये पूरी की पूरी जो जानकारी दी गई है। नीचे आवेदन का जो प्रारूप है वो भी दिखाया यहाँ पर दे दिया गया है। एकेडमिक के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती होनी है। ये जो फॉर्म है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप लोगों को या ऑफलाइन जमा कर देना है भर करके। और इसी तरीके से ये एक और भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी निकला हुआ है, इसको भी देख लें। बाराबंकी का है ये, बाराबंकी से देखिए कितने विद्यालय हैं, 1, 2, 3, 4 विद्यालयों से बाराबंकी से भी भर्ती निकली हुई है। बहराइच से भी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। ये देखिए विद्यालय का नाम और ये सब पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आवेदन का प्रारूप लगभग सभी जिलों का एक सा है और इस तरीके से अपना हाई स्कूल इंटर यानी कि जो पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा शास्त्री आचार्य की जो भी डिग्री है वो यहाँ पर भर करके पूरा जो डिटेल है वो जमा कर देना। बहराइच से भी भर्ती का विज्ञापन निकला है। इसी तरीके से ये देखिए बहुत सारे जिलों से जो भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो गए हैं। अगली सूचना है UP SSC PET का विरोध जारी है, क्योंकि आज ही UP SSC PET की परीक्षा है और आज ही बहुत सारे विद्यार्थियों की CGL की परीक्षा है। विद्यार्थियों ने सोनू ट्विटर पर अभियान चलाया है और सोनू
सूद को टैग किया है, सोनू सूद से गुहार लगाई है कि कुछ सहायता करें। ये देखिए लिखा हुआ है, CGL व PET एक दिन छात्र परेशान, कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 एग्जाम और अधीन सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मंगलवार को एक दिन पढ़ने से हजारों प्रतियोगी छात्र परेशान है। परीक्षा टालने के लिए ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं SSC की ओर से। 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24 अगस्त को मध्य क्षेत्र के 71 केंद्रों पर CGL की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें से 4,65,000 छात्र पंजीकृत हैं। अंतिम दिन यानी 24 अगस्त को PET पड़ गई है। तमाम छात्र दोनों परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। अभ्यर्थी आशुतोष मौर्य का कहना है कि अधीन सेवा चयन आयोग को परीक्षा तिथि करने से पहले दूसरी परीक्षाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। इसी तरीके से अन्य छात्र हैं सिकंदर, उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि उनका पिछला जो साल था वो काफ़ी अवसाद भरा रहा और अब कुछ भर्ती की उम्मीद जगी थी, तो इस तरीके की जो समस्या उससे परेशानी हो रही है। SSC CGL और PET में एक प्रतियोगी ने तो ट्विटर पर अभिनेता सोनू सूद को टैग करके परीक्षा टलवाने की गुहार लगाई है। वैसे ये मामला कोर्ट में भी है, विद्यार्थियों की जो याचिका वो खारिज हो चुकी है। दो और याचिकाएं, 13 अभ्यर्थियों की एक और याचिका थी जिस पर आज सुनवाई होनी है 24 तारीख को। इसके साथ में एक PIL भी डाली गई है। PIL की जो सुनवाई है वो 25 तारीख को होगी चीफ जस्टिस की कोर्ट में। PET से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। वैसे परीक्षा हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन अब ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का कहना कि हम इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा है उसके जो आवेदन है वो सितंबर के महीने में प्रथम सप्ताह में लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जल्द इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी चयन से संबंधित टेंडर सोमवार को खोल दिया गया। इस हफ्ते टेंडर के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में काफ़ी देरी हो चुकी है और ऐसे में नया सत्र तेजी से पिछड़ रहा है। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिखा हुआ है कि जो प्रकोष्ठ के जो निदेशक हैं प्रोफेसर IR सिद्दकी ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में टेंडर के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के बाद एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और चयन होते ही प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। वहीं ITI की जो परीक्षा वो 3 सितंबर से होंगी। लिखा ITI की परीक्षा 3 सितंबर से कराने की तैयारी है। इसमें सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और वर्ष 2017 के बाद परीक्षा से वंचित सभी प्रशिक्षुओं को मौका दिया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के पोर्टल पर 28 अगस्त तक आवेदन का मौका दिया गया है। इससे लगभग 1,70,000 प्रशिक्षुओं की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो वहीं पर आज के समाचार पत्रों में मैंने सुबह भी बताया था कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है कि APS 2013 भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। APS 2010 के चयनितों की नौकरी पर भी संकट आ चुका है और फिर कटघरे में पूर्व परीक्षा नियंत्रक के बारे में जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को लगातार भटकाता रहा है लोक सेवा आयोग और मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती के चयनितों पर भी कसेगा शिकंजा। चहेतों के चयन के लिए मेरिट कम करने के आरोप लगे हैं। इसी के साथ में लिखा हुआ है कि आरओ 2013 और साथ में अभी कुछ और भर्तियों पर भी गाज गिर सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।